तो गाइस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेडलाइट प्रोटेक्टर। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा था कि मैंने हेडलाइट प्रोटेक्टर लगाया था और मैंने एटलील मास्टर सिलेंडर भी लगाया था, तो आज मैं आपके लिए हेडलाइट प्रोटेक्टर लेकर आया हूँ। इसके अलावा जो एटलील मास्टर सिलेंडर है उसकी भी वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोज़ को चेक कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। सो आइए देखते हैं कि ये जो हेडलाइट प्रोटेक्टर है ये कैसे लगता है। तो गाइस मैंने मंगाया है हेडलाइट प्रोटेक्टर। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने रेडिएटर गार्ड लगाया था। रेडिएटर गार्ड की वीडियो में ये हेडलाइट प्रोटेक्टर आया था अनबॉक्सिंग करते टाइम, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि प्लीज़ आप इसका इंस्टॉलेशन भी बताएं, हमें बताएं कि ये कहाँ से मिलेगा और इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, इससे विजिबिलिटी तो नहीं कम होगी। ये सारे क्वेश्चंस के मैं आपको आज जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो आइए पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। रेडिएटर गार्ड की अनबॉक्सिंग के बाद मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। इसके साथ ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में आता है। इसके साथ हमें मिलता है कुछ 3M के वेलक्रोस जो कि इसको होल्ड करने के काम आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये हेडलाइट प्रोटेक्टर मिला है, इसके साथ ये 3M के वेलक्रोस मिले हैं। आज हम इसे इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग कलर्स में आता है, जैसे कि ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन जो है वो नियॉन कलर है, प्लस येलो कलर और क्लियर कलर। तो आइए इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपनी V3 है उसको खड़ा कर दिया है। अब मुझे सिंपल क्या करना है कि इसको खोलना है, ये हेडलाइट प्रोटेक्टर निकालने हैं। इसके साथ मुझे दो वाइप्स मिले हैं, एक तो वेट वाइप और एक ड्राई वाइप। पहले हम अपनी हेडलाइट को साफ़ करेंगे वेट वाइप से, उसके बाद हम ड्राई वाइप से अपनी बाइक को साफ़ कर लेंगे। अब मैं अपनी हेडलाइट को साफ़ कर चुका हूँ। अब मैं इस पर 3M के वेलक्रोस चिपकाऊँगा। तो आप देखिए कि मैं किस कहाँ कहाँ पर 3M के वेलक्रोस चिपका रहा हूँ। ये मैं वेलक्रो चिपका चुका हूँ। अब मैं जो मेरा हेडलाइट कवर है उसके ऊपर मैं वेलक्रोस चिपका दूँगा, सेम उसी पोजीशंस पर चिपकाऊंगा। तो हेडलाइट कवर के ऊपर भी मैं सेम उसी पोजीशन पर वेलक्रो चिपकाऊंगा। तो अभी ये वेलक्रो लग चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इस वेलक्रो का क्या काम है। ये वेलक्रो इसको होल्ड करने के काम आएंगे, प्लस ये रिमूवेबल भी हैं, तो आप जब चाहें इसको हटा सकते हैं और वापसी लगा सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है। अब मैं दूसरा भी लगा लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लुक आती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इससे विजिबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरी V3 की हेडलाइट कैसे लग रही है। हेडलाइट है वो नियॉन कलर की हो गई है, पर फिर भी इससे विजिबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुश्किल से 5% का फ़र्क पड़ा होगा, अगर पड़ा भी होगा तो बिल्कुल क्लियर मैं देख पा रहा हूँ, सब चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। और मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ कि ये कैसी लगती है। चलते हुए टाइम ये काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी जो कलर हैं येलो और क्लियर, इनको लगाने पर भी विजिबिलिटी पर कोई असर नहीं आएगा, पर मुझे लगता है कि ब्लैक कलर जब मैं लगाऊंगा तो विजिबिलिटी पर काफ़ी असर आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक कलर को छोड़कर अगर आप चाहते हैं तो ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नियॉन, येलो और क्लियर के साथ जाएं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपकी हेडलाइट को गंदी होने से बचाएगा, प्लस इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इन केस अगर आपकी हेडलाइट कहीं लगती है तो हेडलाइट डैमेज नहीं होगी और ये उसको भी बचा लेगा। और बाकी लुक्स तो अच्छी आती ही हैं। मैं आपको कुछ पिक्स दिखा देता हूँ जो कि मैंने रिसेंटली क्लिक करी थी। तो आपने देखा कि कितनी अच्छी लुक्स आ रही है, बिल्कुल अलग सी लग रही है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। और गाइस प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा,
डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और काफ़ी चीज़ों के आपको लिंक मिल जाएंगे। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। सो दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट। टेक केयर। बाय बाय।